बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जिस तरह पुलिस ने गुंडागर्दी की और तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कैंप हैं वो उखाड़े, कारकुनान को गिरफ्तार किया और जाली वोट डाले, तो इसके खिलाफ अब तहरीक लबैक पाकिस्तान मैदान में आ चुकी है। उन्होंने कहा कि हम जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है वो मुस्तरद करते हैं और इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर हमारे कैंप उतारे गए उन हलकों में दोबारा इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि पीटीआई ने वहां पर धांधली की है, पुलिस वालों ने वहां पर गुंडागर्दी की है, इलेक्शन कमीशन ने हमें अलर्ट जारी किया, क्रेन का निशान जारी किया, इसके बावजूद भी है हमारा जो इलेक्शन है उसमें रुकावट डाली गई। तहरीक लबैक पाकिस्तान इस पर खामोश नहीं रह सकती और तहरीक लबैक पाकिस्तान कुछ भी करने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह हम जो हमारे इन्होंने वोट चोरी की है हम दोबारा से इलेक्शन करवाएंगे आज़ाद कश्मीर में। तो जी नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन अपडेट थी। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।